पिछले दिनों में मैंने जापान विज़िट किया और नो डाउट बड़ा बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था, जापानीज़ लोगों से मिलना, उनके कल्चर को देखना, पर्सनली चीज़ों को ऑब्जर्व करना विद योर ओन टू आइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे ना आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट मैन, मुझे इशिहारा नाम का एक बंदा मिला, वो एक यूनिवर्सिटी टीचर भी था सोशल साइंसेस का। उसने मैंने उसे कहा, उसको गुरु मानते हुए आप कह लें, मैंने उसे पूछा कि यार आपके कल्चर में ना मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं कि आप लोग बड़े हम्बल, बड़े काम, बड़े सक्सेसफुल हैं, और आपके जो जैसे कह लें ना आपकी एटीट्यूड बिल्डिंग वो बहुत लेवल की हुई हुई है, तो क्या वजह क्या है आपके कल्चर में, ऐसी कौन सी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं, कोई टिप तो दें। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि जैपनीज कल्चर में 7 वैल्यूज़ हैं या 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे तकरीबन हर बंदा अपनी स्टडी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पढ़ता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है। तो ये 7 पॉइंट्स आप कह लें कि हम लोगों की ना जैपनीज लोगों की एक बाइबल है जो हम सारे लोग ही करते हैं, और वी आर क्वाइट हैबिचुअल ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दैट स्टफ। मैंने पूछा भी क्या है वो 5 वो 7 जो स्टेप्स हैं आपकी, आप बताएं, हो सकता है क्योंकि मेरे भी कुछ फ़ायदे वाली बात हो उसमें। तो उसने सारे वो 7 बताए, मैंने नोट भी किए बड़े शौक के साथ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ 1 by 1। पहला पॉइंट है वो उसके जो टर्म्स हैं ना, नाम उनके, वो मैं जैपनीज लव्स ही बोलूँगा, बाकी आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था इकिगाई। इकिगाई, इकिगाई क्या है? डिस्कवर योर पर्पज़ ऑफ लाइफ। सबसे पहला स्टेप कि आप खुद को एक्सप्लोर करें, अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। अगेन वही के डू स्टडी योर DNA। आप अगर बने हैं, आप डिफरेंट तो हैं ही। अच्छा, अब आ गया जी पॉइंट नंबर 2, उसका नाम है शिकिता गानाई। शिकिता गाने का मतलब है लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट चेंज। अब हम लोगों को वो एक मीर दर्द का पता नहीं शेर है जिसमें कहा है ना कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आप जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस पर परेशान क्यों होते हैं? तो इसको लेट इट गो, ये था रूल नंबर 2 शिकिता गाने, कि आप जाने दें उन चीज़ों को, उस पर से अपनी तवज्जो हटाएं, अपनी एनर्जी को सेव करें, उन चीज़ों पे आप फोकस नहीं करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। देन कम्स ही रूल नंबर 3, दैट इज वाबी साबी। वाबी साबी कहता है फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन। हम सबको पता है, हम सारी इस चीज़ को बड़ा प्रीच करते हैं कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन द लाइफ, नो वन इज़ परफेक्ट। जब कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं, आप भी इम्परफेक्ट हैं, हम में बहुत सा हम वी आर अ कम्बिनेशन ऑफ सम गुड सम बैड सम, आप कह लें कुछ सक्सेस कुछ फेलियर, इसका कम्बिनेशन होता है। तो जब आप में इम्परफेक्शन है उसके साथ सुकून महसूस करें, इसके साथ रहना शुरू करें। इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे, तो लेट इट गो। देन है गैमैन, रूल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4, गैमैन। गैमैन क्या है? प्रिजर्व योर डिग्निटी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पे बुरा वक्त आता है ना, तो गुर्बत के बारे में, मुफलसी के बारे में आपको पता है, उस पर तो नबियों ने भी पनाह मांगी हुई है। तो गैमैन हमें कहता है कि जब आप पे बुरा वक्त आए तो वो एक टाइम है जब आपने अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करना है, अपने जो आपकी ग्रेटनेस है, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, उनको लूज़ नहीं होने दें। अगर आप उनको उस वक्त संभाल जाएंगे जब आप पे बैड टाइम है, तो उसके बाद जब अच्छा टाइम आएगा तो डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लोगों को प्रीच भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप बुरे वक्त पर इसको संभाल के रखेंगे। देन है पॉइंट नंबर 5, ये है ओबेटोरी। ओबेटोरी, ओबेटोरी मतलब डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। इंतहाई इम्पॉर्टेंट, वो एक बात कही जाती है कि जब आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो इनफैक्ट आप अपनी स्ट्रेंथ की इंसल्ट कर रहे होते हैं। कुछ तो आप में अच्छा है ना, आपकी बनाने का कुछ मकसद है, आपकी बहुत सी अच्छाइयाँ होंगी। जब आप खुद को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को भी निग्लेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी इंसल्ट भी कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि आपको बिल्कुल नहीं पता, आप अपने जर्नी को लेके आए हैं, ज़िंदगी में से गुजरते आए हैं, बैड है, गुड है, सक्सेस है, फेलियर है, लेवल ऑफ सक्सेस क्या है, अगले का क्या है, छोड़ें इस बात को, आपको नहीं पता कि उस बंदे ने ज़िंदगी में क्या देखा है,
किन चीज़ों में से होके वो गुजरा है. सो जस्ट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. नंबर सिक्स, काइजन. काइजन या केजान भी बोलते हैं इसे, और आजकल हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि जैपनीज कॉन्सेप्ट काइजन. काइजन क्या है? ऑलवेज सीक टू इम्प्रूव इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. मीन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक पॉइंट है जिसे काइजन बोलते हैं. आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, पहले जहन में रख लें, लेकिन आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपके पास है, जो आपने लर्न किया, जो आप कर रहे हैं. ट्राई टू डू इट इन बेटर वे और एवरी डे, मतलब हर रोज़ आप एक स्टेप करके आगे बढ़ने की कोशिश करें. नंबर सेवन, बहुत इम्पॉर्टेंट, शू है री. शू है री बजाते खुद ये तीन स्टेप से बना हुआ है. मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसमें वो उसने मेरा जो गुरु इशिहारा उसने खूबसूरत बात कही कि यहाँ का एक प्रोवर्ब है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर, व्हेन द स्टूडेंट इज ट्रूली रेडी द टीचर विल डिसअपीयर. ये उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसको एक्सप्लेन भी किया और इसी पेराए में एक्सप्लेन किया. शू हारी जो है, शू हारी क्या चीज़ है? शू हारी तीन स्टेप्स हैं. शू है लर्न द बेसिक by following the teaching of your master or one master. किसी को आपने गुरु बना लिया, टीचर बना लिया, आप उसको फॉलो करें और उसने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं, जिस तरह से बताई हैं, जो डेफिनेशन बताई है, उसको लर्न करें. मीन पहला स्टेप लर्न करने का स्टेप है. नंबर टू है स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. अब आपने लर्न किया, बहुत सी चीज़ें अपने टीचर से सीखी, उसको प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दें. प्रैक्टिस भी करना शुरू किया, अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें, उन चीज़ों को लाइफ में लेके आएं जो आपका टीचर आपको बता रहा है, जिसको उस्ताद मान लिया आपने, उसको फॉलो करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें है में. और नंबर थ्री री है कि आप, ये वो वाली स्टेज है जिसमें आपने लर्न किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब आप इनोवेशन की तरफ जाएं, अब आप नए रूल्स, नए रास्ते, उनको एक्सप्लोर करना शुरू करें. और ये वो वाली स्टेज है, पहले क्या था, आप रेडी हैं तो टीचर आ गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब आप पूरी तरह रेडी हैं, मीन आपने सीख भी लिया, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, अब है बात अपने आइडियाज़ को इन द लाइट ऑफ दोज लर्निंग लेके आने की. अब टीचर इज डिसअपीयर्ड, ठीक है, अब टीचर जा चुका है, अब आप अपने टीचर भी बने, अब आप अपने मेंटोर भी बने, अब आप चीज़ों को करके, इनोवेशन करके लोगों के सामने लेके आए. ये थे उसने सात रूल मुझे बताए. And I'm very much thankful to my teacher, my guru Ishihara, जिसने इतनी खूबसूरत ये सात बातें बताई हैं. I hope ये सारी चीज़ें अगर हम लोग भी अपना लें, जैसे कहा गया है कि लर्निंग आपको करने के लिए कहीं से भी चीज़ मिले तो डू टेक इट, ये आप ही का खजाना है तो आप इसको लें. तो ये जैपनीज कल्चर की चार पाँच छः सात बातें थी, वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू गाइज. प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, गो फॉर इट.